अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कल का डी लॉग लाइक करने का। डी लॉग मैं इसको इस वजह से कहता हूँ कि ये वो पहले होते थे ना ब्लॉग और फिर वी लॉग्स, तो अभी ये डी लॉग है। ये गाड़ी चलाते हुए बनता है, तो ड्राइव करते हुए बनता है, इसलिए डी लॉग है। अच्छा, क्या हुआ कि आज की जो ताज़ा खबर वो ये है कि इवेंचुअली इंडियन आर्मी जो है वो ना करते हुए मान गई है, और उन्होंने अपने मीडिया में भी दे दिया है, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि जी हल्की फुल्की वो चपखलिश हुई है दो जनरल्स के बीच में, लेफ्टिनेंट जनरल्स के बीच में। उनका ये कहना है कि उनकी साउथ वेस्टर्न कमांड, जो कि श्रीलंका के बिल्कुल साथ बनती है, साउथ वेस्टर्न कमांड के दो जनरल्स, उनके आपस में कोई थोड़े से इख्तलाफात हैं, जिस वजह से वो बस ये थोड़ा सा हमारा मसला हुआ है, अदरवाइज ऑल इज ओके इन इंडियन आर्मी। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये साउथ वेस्टर्न कमांड इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि इस कमांड के अंदर 10 कॉप्स इनकी आती हैं और 1 कॉप्स, और दूसरी बात ये है कि ये ऑब्वियसली श्रीलंका के साथ काफ़ी इम्पोर्टेंस है इनकी, और यहाँ पे जो दो जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, 3-स्टार जनरल्स, जिनकी के आपस में चपखलिश हुई, वो जो हैं उनमें से एक आर्मर्ड कोर के हैं और एक जो हैं वो इंजीनियर हैं, दोनों 3-स्टार। तो हुआ ये है कि इन्होंने ये कहा जी कि बस जी छोटी मोटी इनके बीच में आपस में हो गई थी, अदरवाइज ऑल इज हंकी डोरी विद इन इंडियन आर्मी। वो एक लड़की थी, नशे पे लग गई यूनिवर्सिटी में, घर वाले बड़े तंग थे, उन्होंने कहा कि इसका हल क्या निकाला जाए, तो उन्होंने कुछ शादी शुदी का ना उसका को बंदोबस्त करने का किया, तो रिश्ता मिश्ता एक आया बड़ा अच्छा सा। इनिशियल मुलाकातें जब गुजर गईं, तो उसके बाद उसकी कोई जेलस फ्रेंड थी, उसने भांडा फोड़ दिया, उसने लड़के वालों को जाके बता दिया कि लड़की के साथ तो ये मसाइल है, लड़की जो है वो तो नशे पशे के पीछे पड़ी हुई है। तो वो उसके घर चले गए, लड़की के उसके घर जाके ये कहा कि सामने पता ही नहीं सी, हमें तो आज पता चला। तो हुआ ये कि उन्होंने जवाबन कहा, और नहीं जी नहीं, और वैसे इदियां आखियां जरा नशीलिया ने ते नाल रंग जरा मुश्की है, अदरवाइज नशा नहीं कर दी बच्ची। और आज इंडियन आर्मी भी यही कह रही है कि छोटे मोटे मसाइल है, अदरवाइज कोई मसले नहीं है। मसला ये है कि आपको पता होगा कि ये तो मेरा पर्सनल यूट्यूब अकाउंट है ना, जो दूसरा मेजर अकाउंट है जिसके ऊपर के बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं, वो मैं और मेजर आदिल राजा शेयर कर रहे हैं। मेजर आदिल राजा के कोई बड़े अच्छे बड़ी थे, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी बड़ी बन रहे हैं, और वो हमें इंडियन आर्मी से ऐसी ऐसी चीज दे रहे हैं कि बस इंडियंस आगे बस देखते जाएं, इंडियंस हमारा प्रोग्राम जो है वो देखते जाएं। एक मिनट ठहरिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि उस अकाउंट पे आपको काफ़ी सारे इंकशाफात मिलेंगे, जो कि हर 3-4 रोज बाद या कुछ रोज बाद वो सच साबित होते हुए आपको नजर आएंगे। आज भी एक 5 बजे प्रोग्राम उस पर हम लगा रहे हैं, और उसमें भी इंकशाफात है, और हम लोग इनकी डिटेल्स फ्यूचर में देते रहेंगे, वो भी आप देखते रहिए। और वो जो हमारे इंडियन आर्मी के बड़ी हैं, वो हमारे लिए एक्सक्लूसिव लेके आते हैं। ये खबर भी वही लेके आए थे जो कि हमने ऑलमोस्ट कोई 8-9 दिन पहले एक वीडियो बना के डाली, और हमें इंडियंस जो हैं वो ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, और साथ में यूट्यूब पे भी, हर तरफ हमें कह रहे थे दबाव खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब हल्की फुल्की मान ली ना, हल्की फुल्की मान ली। ये हल्की फुल्की इसलिए मान रहे हैं कि बहुत बड़े मसाइल हैं, तो चलो छोटा सा बता दें। मसाइल आपको मैं बताता हूं कि इनके हैं क्या। मसाइल ये हैं कि बेसिकली इनके जो ऑफिसर्स हैं वो खुश नहीं है,
क्योंकि सारे के सारे ऑफिसर्स जो है वो आरएसएस के थोड़ी हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सीडीएस बनाया गया जनरल बिपिन रावत को, और अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि सीडीएस उनको इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनकी एफिलिएशन है। किसके साथ एफिलिएशन है? उनकी एफिलिएशन है आरएसएस के साथ। अब जो जनरल नरवाने हैं, जो कि बड़े एक सुलझे हुए ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि मेरी कमांड किस हद तक है और क्या है, क्योंकि इन्होंने बिपिन रावत से जान नहीं छुड़ानी क्योंकि वो आरएसएस का है। अब नीचे ये हो रहा है कि आपको पता है कि प्रमोशंस होती हैं कर्नल लेवल पे भी, फिर साथ में ब्रिगेडियर लेवल पे भी, फिर आपको पता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल्स, मेजर्स, वो सारी जो प्रमोशंस होती हैं। अब खदशात ये हैं कि इनके जो इंडियन आर्मी में सेकुलर सोच के जो ऑफिसर्स हैं, वो बारहा इनको ये कह रहे हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये उनको बहुत बड़ा मसला दरपेश है इस वक्त, और इसी वजह से काफी सारी जो कमांड्स हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स को की वजह से आने वाले दिनों में हमें बहुत सी इंडियन आर्मी में कोई ऐसी चीजें नजर आएंगी जो कि वो इंडियन आर्मी खुद अपने आप को एक्सपोज करेगी, और आने वाले दिनों में हमें ये भी नजर आएगा कि ये आर्मी जो कि बनाई तो मुल्क के डिफेंस के लिए गई, और डिफेंड जो वो कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, रिपीटेशन हो जाती है, लेकिन क्या है कि अब उन्होंने किया तो हमने क्रेडिट तो उनको देना है ना, इंडियंस को। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ देयर टेरिटरी वो लूज कर चुके हैं लद्दाख में, चाइना ने कब्जा मार लिया, ये उनसे मांग नहीं रहे, बल्कि मांग तो रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे। आर्मी हो, आर्मी मांगती नहीं है, डंके की चोट पर लड़ती है अगर जरूरत वाली आर्मी हो तो, जरूरत वाली ना हो तो फिर नहीं होती ना। अब हमें ललकारा लास्ट ईयर इन्होंने, मैं क्यों जरूरत की बात करता हूँ, जरूरत होनी चाहिए, शेर में जरूरत होती है, लगड़ बगड़ में नहीं होती, मैं क्यों कहता हूँ, लास्ट ईयर इन्होंने हमें ललकारा, हम इनसे साइज में कितने छोटे हैं, आर्मी भी हमारी छोटी है, हमारी एयरफोर्स को भी आप ले लीजिए, हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन जो दिल है ना लड़ने का, जो जरूरत है वो हम में है, इनमें नहीं है। पिछले साल देखा नहीं आपने, त्यारा इनका तबाह कर दिया, इनका अभिनंदन पकड़ के हमने चाय पिलाई उसको, और वो थैंक यू करता गया, इट्स ऑल फैंटास्टिक उसने कहा चाय के बारे में। हमने भी उसे फिर आजाजी तौर पे घर भेज दिया कि इसका हमने क्या करना बेचारे का, जहाज जूज तो इसने खुद ही उड़वा दिया अपना। तो वो हुआ ये कि बेसिकली पूरी दुनिया ने देखा कि जरूरत ऐसे होती है, जरूरतमंद कौमें ऐसी होती हैं, डरपोक कौमें इंडिया जैसी होती हैं, जो कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया चाइना ने, और दूसरी बात यह है कि वो इनको पैगाम भेज रहा चाइना कि भाई साहब ये तो हो गया 38, आगे भी हम आएंगे। और दूसरी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जो 90,000 से थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर है ना भाई जी, हमने वो भी लेने हैं, वो भी हमारे हैं, ठीक है। और उन्होंने उसके ऊपर भी क्लेम मारा हुआ है, और वो उनका जो क्लेम है वो पूरा करके रहेंगे। इसीलिए आईजी भी इनका गया हुआ था ना, उसी फ्रंट का बॉर्डर फोर्स का आईजी भी भेजा हुआ था इन्होंने। किस वजह से भेजा हुआ था? मिन्नत तरले के लिए। ये लिटरली वहां पे गिड़गड़ाए हैं, चाइनीज की फैंटास्टिक पोजीशन है उधर, चाइनीज इनको मारेंगे धोएंगे, इनकी भूल है। लिहाजा ये अभी जो इंडिया कह रहे हैं ना कि जी नहीं जी, इंडियन आर्मी जो है ना वो नशा मशा नहीं करती, बस इसकी जरा आंखें नशीली है और रंग जरा मुश्की है, तो ये मिसाल इधर बड़ी फिट आती है कि बेसिकली रोला सारा है विच,
ਇਹ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇਨਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਚਲੇਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਲਈਆ ਦਈਆ ਮੇਰਾ ਲਈਆ ਦਈਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰਾ ਲੜਾਈ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬ ਆਪਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਨਾ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਤੇ ਥੇ ਬੁੱਲੀ ਬਨਤੇ ਥੇ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਕਭੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਹਮ ਇਧਰ ਫਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਭੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਇਧਰ ਫਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਬ ਕਰੋ ਨਾ ਫਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ ਚਾਈਨਾ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹ ਕਿਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜੋ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਲੋਕ ਉਸ ਫਰੰਟ ਪੇ ਰਾਫੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਮੈਂ ਇਨਕੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸੇ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਦਫਾ ਤੋ ਤੁਮ ਲੋਕ ਬੜੇ ਰੋਡੋਂ ਪੇ ਆਏ ਥੇ ਹਮ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ ਉੜੀ ਕਾ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾ ਬਦਲਾ ਲੇਂਗੇ ਅਏ ਉਧਰ 20 ਤੁਮਾਰੇ ਤੁਮਨੇ ਖੁਦ ਕਹਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੇ 20 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 20 ਤੁਮਨੇ ਖੁਦ ਮਾਨੇ ਹੈ ਔਰ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਕਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਾਲੋ ਸੇ ਸਵਾਲ ਜਬ ਆਰਮੀ ਮੇ ਆਪ ਹੋਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰ ਕੋ ਯਾ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਕੋ ਆਪ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਆਰਮਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਓ ਕਾ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੋ ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤੁਮੇ ਮਾਰ ਪੜੇਗੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮਾਰ ਪੜੇਗੀ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਨੀ ਛਕਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਕੀ ਇਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਅਗਰ ਆਪ ਮੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਓਏ ਆਪਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਇੰਡੀਆ ਮੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਚਾਈਨਾ ਸੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਿਆ ਸੋਚੀਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।